हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए टॉप 20 बायोलॉजी क्वेश्चंस का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपर इस वीडियो को देख लिया तो आपका 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी, क्योंकि मैंने टॉप क्लास के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कंसिडर किए हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने प्रॉपर पढ़ लिया तो। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, तो गाइस प्लेलिस्ट में जाइए और उसे भी देख लीजिए, आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलेगी। 20-20 क्वेश्चंस करके आपके पार्ट 4 तक 80 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, जिससे आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब। तो गाइज इसका आंसर है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, और अपने को ऑक्सीजन देते हैं, मतलब पेड़ों से ऑक्सीजन आती है और पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी बात है, पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो गाइज टॉक्सिकोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? गाइज ये पॉइजन से रिलेटेड है, तो टॉक्सिकोलॉजी को यूज़ करते हैं जब पॉइजन की स्टडी करते हैं। एक बार फिर से, टॉक्सिकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉइजन। जब पॉइजन की स्टडी होती है ना, तो उसे टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, है ना। टॉक्सिक मतलब आपको पता ही है कि टॉक्सिक मतलब ऐसा जहरीला टाइप का होता है, पॉइजन से रिलेटेड, इसलिए टॉक्सिकोलॉजी। ओके, ये टर्म आती है, इस टाइप की स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, पीडोलॉजी क्या होती है, है ना, एंटोलॉजी क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मैंने इसका भी एक पार्ट बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मतलब ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा ट्रीटमेंट में क्या चीज़ यूज़ होती है, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं? तो दोस्तों पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पेनिसिलिन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, जोन साल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर। क्वेश्चन है फिर से, जोन साल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर। तो किस चीज़ के लिए वैक्सीन इन्वेंट की थी जोन साल्क ने? तो दोस्तों वो की थी पोलियो के लिए, पोलियो की दवा के लिए, मतलब पोलियो की वैक्सीन जोन साल्क ने मतलब वो की थी, इन्वेंट की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बंदे का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्कवरर से भी नाम आते हैं कि किस चीज़ को किसने इन्वेंट किया, किस चीज़ ने किस चीज़ का एनालिसिस किया, है ना, किस चीज़ ने किसको डिस्कवर किया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि पोलियो का इन्वेंशन किसने किया, पोलियो के लिए वैक्सीन का इन्वेंशन किसने किया, जोन साल्क ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि टीथ, अपने दांतों की स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये सभी को पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ओडोंटोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी वाली टर्म्स है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपके 1 से 2 नंबर पक्के होंगे। आजकल थोड़ा कंपटीशन वाला ज़माना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक, और इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ सेल्स इज़ नोन एज। तो गाइज सेल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्स की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। मैंने कैसे याद रखा? सेल्स भी सी से स्टार्ट होता है और साइटोलॉजी भी सी से स्टार्ट होता है, तो सी सी का मैंने रिलेशन बना लिया कि स्टडी ऑफ सेल्स इज़ नोन एज साइटोलॉजी। और इसी तरीके से स्टडी ऑफ फंगस इज़ माइकोलॉजी। अगर फंगस की स्टडी का पूछ लिया FUNGUS, तो उसको दोस्तों बोलते हैं माइकोलॉजी, MYCOLOGY। मैंने ये बायोलॉजी के पार्ट में पढ़ा दिया है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एक्सटिंट एनिमल्स इज कॉल्ड एस। देखिए दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि जो मतलब जैसे डायनासोर वगैरह मर चुके हैं, अब अपनी दुनिया में नहीं है, तो जो विलुप्त हो चुके हैं जो प्रजाति, जो एनिमल्स, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेलियंटोलॉजी। इस टर्म को भी आप याद करिएगा, थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, है ना। पेलियंटोलॉजी को पेलियंटोलॉजी ही बोलते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटेंट एनिमल की। तो ओके, जो एनिमल्स अब मतलब मर चुके हैं, ज़मीन में गड़ गए हैं, बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं डायनासोर जैसे, तो
उस चीज़ को पेलियंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। और ये पेलियंटोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मर चुके हैं, गड़ चुके हैं, उन्हीं की वजह से जो भूकंप भूकंप आता है, तो जैसे डायनासोर मर गया लाखों साल पहले, तो क्या हुआ भैया, यहाँ पेट्रोल मेट्रोल यहीं से निकलते हैं, जैसे जानवर सड़बड़ जाते हैं ना, तो फिर पेट्रोल भी यहीं से निकलता है, इसलिए इनको पेलियंटोलॉजी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 8th क्वेश्चन क्या है, द मेडिकल टर्म यूज फॉर द स्लीपलेसनेस, जिस बंदे को नींद नहीं आती है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो गाइस उस बीमारी की बोलते हैं, उस बीमारी को इंसोमनिया, क्या बोलते हैं दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए, इंसोमनिया बोलते हैं जिस बंदे को रातों में नींद नहीं आती है, जिसको मतलब स्लीप की प्रॉब्लम रहती है, रात में नींद नहीं आ रही, दिन में नींद नहीं आ रही है, तो उसको इंसोमनिया बोलते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और पता भी होना चाहिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज, मतलब ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो गाइज इसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, सबकी आंखें स्क्रीन पर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया, मतलब जब जैसे मान लो रिपोर्ट आई किसी की, तो सीधा सीधा डॉक्टर ये थोड़ी बोल देगा भैया आपको ब्लड कैंसर है, बेचारा हार्ट अटैक में और निपट जाएगा ऐसे में घबराहट में, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, उसे दूसरे तरीके से बोलेंगे कि भाई साहब आपको ल्यूकेमिया हुआ है, तो वो सोचेगा हाँ ल्यूकेमिया हुआ है, तो वो धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि वो ब्लड से रिलेटेड है, तो वो क्या कम घबराएगा, वरना वो उसी दिन निपट जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्म्स बड़े तरीके से यूज़ करते हैं वो, ताकि लोग घबराएं ना, तो ब्लड कैंसर अगर किसी को हो गया है तो दूसरे भाषा में उसे बोलेंगे कि उसको ल्यूकेमिया हो गया है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ऐसा, जैसे मान लो कोई अंधा आदमी है, अब सीधा आप अंधे से सीधा बोलोगे अरे तू तो अंधा है, तो बेचारे का दिमाग खराब नहीं होगा, दिल टूट जाएगा उसका, लेकिन अगर आप उससे बोलोगे या सामने वाले से बोलोगे यार वो बेचारा सूरदास है, मतलब उसको बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सूरदास है या फिर वो देख नहीं सकता, तो फिर मतलब उसको लगेगा हाँ ठीक है, मतलब उसी चीज़ को आपने प्यार से बोला, तो यही तरीका है कि ब्लड कैंसर को उनने दूसरा नाम क्या रख दिया प्यार से, ल्यूकेमिया। ओके, आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। एक और चीज़ याद आई मुझे दोस्तों, देखिए अगर 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 बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हुई है, बोलते ना बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके खून के अंदर आयरन की कमी हुई है, क्या हुई है, अगर किसी ने बोला आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपने रिपोर्ट ली, तो आप ये समझ जाइए कि आपके बॉडी के अंदर जो खून है, तो खून में आयरन की कमी है, खून की कमी नहीं है, खून के अंदर आयरन की कमी है, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की बात आई तो, है ना, अभी इतना याद रखिएगा, आगे बताता हूँ। 10th क्वेश्चन है, जॉन ग्रिगोर मेंडल इज़ फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग, मतलब जॉन ग्रिगोर मेंडल एक बंदे थे, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे गाइज, वो लॉज ऑफ हेरिडिटी के लिए फेमस थे, किस चीज़ के लिए फेमस थे, लॉज ऑफ हेरिडिटी। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस एक्यूरेटली बाय, मतलब भाई साहब अगर आपको किसी पेड़ की एज पता करनी है कि ये पेड़ कितना पुराना है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप ऐसे पता करेंगे उस पेड़ की रिंग्स को गिन के, उस पेड़ के बाजू में क्या ऐसी रिंग्स बनी होती हैं ऐसी, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको पेड़ की पता करनी है कितना पुराना है, जैसे पेड़ को थोड़ा सा काट दिया आपने, देखा हो ना, तो ये येलो येलो पोर्शन में थोड़ा ऐसे ऐसे गोल गोल कुछ बना रहता है, तो उन रिंग्स की हेल्प से पता करते हैं कि भैया पेड़ कितना पुराना है, 100 साल पुराना है या 200 साल पुराना है, ठीक है, तो आप ऐसे पता करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, जॉइंडिस इज़ अ सिम्टम ऑफ डिसीज़ ऑफ, मतलब जॉइंडिस किस चीज़ के सिम्टम है, किस चीज़ के डिसीज़ होता है, ठीक है, तो जॉइंडिस होता है जब लीवर ख़राब होता है, मतलब लीवर में जो प्रॉब्लम अगर आई, लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लीवर में दिक्कत हो रही है, तो समझ जाओ कि भैया जॉइंडिस की पीलिया की प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है, जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, जब भी किसी को जॉइंटिस होता है ना, तो उसका लीवर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है बेचारे का, ना खाना खा पा रहा है, ना खाना पच पा रहा है, मतलब बहुत दिक्कतें होती है, तो आप अभी इसको ध्यान रखिएगा कि जॉइंटिस अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लीवर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप इधर प्रॉपर पढ़ लेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम आप दोगे और वहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, और आप पक्का इसको ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ोगे और आपका नंबर पक्का हो जाएगा, बट आप ईमानदारी से पढ़िए, ठीक। 13th क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉसेस, देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर विटामिन B6 की कमी हो गई है इंसान के अंदर, तो उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम है, एनीमिया की। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी पीछे क्या बोल रहा था, अगर अगर भैया खून की कमी हुई है,
तो उसे बोलते हैं एनीमिया। ध्यान से सुनिए, सबके कान खुले होने चाहिए। अगर खून की कमी हुई है तो प्रॉब्लम है एनीमिया की। अगर खून के अंदर आयरन की कमी हुई है, IRON, आयरन की कमी हुई है, तो बोलेंगे हीमोग्लोबिन कम हो गया है बॉडी के अंदर। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक, अगर सीधे सीधे खून की कमी हुई है तो एनीमिया हो जाता है, लोग बोलते हैं ना उसको एनीमिया हो गया है, मतलब उसको खून की कमी हो गई है। अगर किसी ने बोल दिया भैया हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन का मतलब यह है कि खून के अंदर जो आयरन रहता है वो कम हो गया है आयरन। ओके, ठीक, इतना फोर्स इसलिए किया, बार बार फोकस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 14th क्वेश्चन है, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज डन बाय। गाइज, ये बंदे का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो उनका नाम था C.N. बर्नार्ड। इस क्वेश्चन को आप रट लो तोते की तरह, क्योंकि कभी भी छप सकता है, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। C.N. बर्नार्ड एक ऐसा खिलाड़ी थे, इन्होंने भैया सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। तुम सोचो, छोटी मोटी चीज़ नहीं, मतलब हार्ट, पूरे दिल ट्रांसप्लांट कर दिया, हार्ट कितनी बड़ी बात है। तो ये बंदे का नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 15th क्वेश्चन है, अ मैन विथ कलर्ड ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। मतलब जिसको कलर्ड ब्लाइंड, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, कलर मोतियाबिंद बोलते हैं ना हिंदी में, जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, उसे रेड कलर ग्रीन दिखता है। क्या दिखता है, ध्यान से सुनिए, रेड कलर, लाल कलर हरा हुआ दिखता है, हरा दिखता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। टॉप 20 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं लिखा दोस्तों, टॉप 20 हैं वो, आप समझ गए होंगे कि मैं कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आपको बता रहा हूँ। ठीक, 16th क्वेश्चन है, द मेटल विच इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। कौन सा मेटल है जो विटामिन B12 का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो गाइस, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तोते की तरह रट लेना इसको। मैं इसलिए बोलता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और समझ में नहीं आ रही उसको तोते की तरह रट लो, बिल्कुल जैसे मिट्ठू रट लेता ना दूध रोटी चित्रकोटी, वैसे ही पढ़ लो बिल्कुल। कि विटामिन B12 की बात आ गई तो उसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है, इसको केमिकल नेम साइनोकोबालबिन बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, अभी के लिए कोबाल्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना दोस्तों, पक्का क्वेश्चन छपेगा। अब देखिए 17th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। मतलब इंसान के दिल में, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो गाइस, ये टेक्निकल क्वेश्चन है और टेक्निकल आंसर ये है कि 4 चैम्बर होते हैं, है ना। इस चीज़ को आप याद रखना है कि 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, 4 चैम्बर होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए, द यूनिवर्सल रिसिपेंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, मतलब सब सबसे ले लेता है। आओ भैया, हमको दे के ही जाओ, आप हमसे लेके मत जाओ, सब देते जाओ, हमको देते जाओ, है ना। तो उसको बोलते हैं AB। AB ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर बंदे से मतलब खून ले सकता है। तुम भी दे दो भाई साहब, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, जहाँ से भी आ रहे हो तुम हमको दे दो, मतलब कुछ इनको नहीं देना है, बस इनको लेना ही लेना है। तो ये है AB, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हज़ारों बार आ चुका है और आपको पता होना चाहिए, कभी भी आगे आ सकता है। और रेलवे NTPC में तो भर भर के, बिल्कुल ऐसे झोली भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा GK के। और देखो, ये वाला पता चला तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि भैया यूनिवर्सल डोनर कौन है। रिसिपेंट तो पता चल गया कि AB है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो दोस्तों वो है O नेगेटिव। क्या है, O नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप नहीं बोल सकते आप, O नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये सबको देता है। हाँ भैया, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। आपने 2016 में सुल्तान मूवी देखी है, तो सलमान खान खून दे देता है सबको, याद है, अनुष्का शर्मा से मिलने जाता है और वो उसका खून निकाल लेती है, क्योंकि सलमान खान O नेगेटिव का होता है, तो वो आराम से किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द विटामिन दैट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट बनने में हेल्प करता है। मतलब आप जैसे प्याज व्याज काट रहे हैं और गलती से आपकी उंगली कट गई, आपकी उंगली कट गई तो थोड़ी देर बाद 2 से 5 मिनट के अंदर खून जम जाता है। तो वो क्यों जमता है दोस्तों, अगर विटामिन K की मात्रा अच्छी है आपकी बॉडी में तो फटाक से खून जम जाएगा, है ना, खून जम जाएगा, वरना नहीं जमेगा। अगर विटामिन A की कमी होगी ना तो खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। इसलिए ऐसा विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो है विटामिन K। इसलिए बॉडी के अंदर विटामिन K होना बहुत ज़रूरी है। ओके,
तो गाइस मेरी तरफ से इतना ही, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और प्रॉपर पक्का याद कर लें। और एक और बात, रिवीजन इज़ द की, गलतफहमी में मत रहिएगा कि एक बार में सारा याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज़ करिए, 2 से 3 बार आपको पक्का याद हो जाएगा। और इस बात की भी गारंटी कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों, जस्ट वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट टू वेट्स योर गोल। और अगर मेरा वीडियो सच में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वैल्यूबल कंटेंट मिला है, तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अप्रिशिएट करें, और अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, ठीक। और पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आई विश, ज़रूर होगा, है ना।